एक ओर धान की अच्छी पैदावार के लिए कृषक प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारियों की वजह से पैदावार प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। इन बीमारियों का प्रकोप कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों को बीमारियों के लक्षण और उन पर नियंत्रण संबंधी जानकारी न होने के कारण वे सही समय पर उचित कदम नहीं उठा पाते और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अखिल भारतीय समन्वित धान अनुसंधान परियोजना पौध रोग अंतर्गत लगातार धान रोग संबंधित शोध अनुसंधान किया जा रहा है, जिनमें इन फसलों को रोग मुक्त रखने के लिए प्रारंभिक स्तर पर रोग पहचान और प्रबंधन के लिए नवीन तकनीक की जानकारी किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जाती है। धान की फसल में प्रमुख रूप से झुलसा, पर्णछद झुलसा, पर्णछद गलन, जीवाणुजनित झुलसा, झूठा कंडवा या लाई फूटना और बदरा दाना आदि रोगों का प्रकोप देखा गया है। मैदानी, पहाड़ी और पठारी भागों में इन रोगों की पुनरावृत्ति मौसम की अनुकूलता के कारण प्रतिवर्ष होती रहती है, इसलिए कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर धान के इन भयंकर रोगों की शुरुआती लक्षणों को पहचानकर उचित प्रबंधन के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी और सुझाव दी जा रही है। धान की फसल में इन जैविक कारकों एवं अजैविक कारकों की पहचान होना अति आवश्यक है, जिससे उत्पादन में कमी की समस्या का समाधान किया जा सके। झुलसा रोग धान का ये अत्यधिक संक्रामक रोग है। ज्यादा आर्द्रता वाले क्षेत्रों में इस रोग की गहनता ज्यादा होती है। इस रोग के लक्षण पत्ती, डंठल और बाली की गर्दन पर देखे जा सकते हैं। इस रोग के प्रकोप से पत्ती के ऊपर 1 से 3 मिलीमीटर आकार के छोटे छोटे विक्षत बनते हैं, जो किनारों पर सकरे और मध्य में चौड़े होते हैं। इसका किनारा भूरा या गाजरी भूरे रंग का होता है। रोग का प्रकोप ज्यादा होने पर धब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है और दूर से पत्ता जला हुआ दिखाई देता है। तने की गांठों पर रोग प्रकोप होने पर गांठों की छाल सड़कर काले रंग की दिखाई देती है। रोग लगने पर बाली की गर्दन सड़ जाती है और वो संक्रमित भाग से पकने के पहले टूटकर गिर जाती है। झुलसा प्रभावित क्षेत्रों में बुआई से पहले बीजों को ट्राईसाइक्लाजोल कवकनाशी के द्वारा 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार किया जाना चाहिए। रोगरोधी या रोग सहनशील धान की प्रजाति जैसे कर्मा मासूरी, IR64, इंदिरा सोना, इंदिरा सुगंधित धान 1, इंदिरा राजेश्वरी या चंद्रहासिनी का चयन करें। उचित समय यानी जुलाई के प्रथम 15 दिन में धान की बुआई कर संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। रोग प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में ट्राईसाइक्लाजोल कवकनाशी जैसे बीम 75WD-BAN या सिबिक 6 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर से या प्रोपिकोनाजोल टिल्ट 1 मिलीलीटर की दर से 12 से 15 दिन के अंतराल में बीमारी बढ़ने की अवस्था में 3 छिड़काव करें। भूरा धब्बा रोग ये धान को संक्रमित करने वाला मुख्य रोग है। भूरा धब्बा रोग के लक्षण पत्तियों और बालियों के अतिरिक्त पर्ण छिद्रों, रांकुर चोल पर भी दिखाई देते हैं। ये छोटे बिंदु के आकार से बड़ा होकर अंडाकार 1 से 14 × 0.3 से 7 मिलीमीटर माप का होता है। इसके किनारे भूरे और मध्य भाग पीला धूसरिया भूरे रंग का होता है। धब्बों के चारों ओर भूरा घेरा बन जाता है। रोग प्रभावित पत्तियां सूख जाती हैं। बाली की अवस्था में रोग लगने पर बालियां नहीं निकलती या विकृत रूप धारण कर लेती हैं। तने पर रोग लगने से कंसों का रंग भूरा और काला हो जाता है और बीज सिकुड़ जाते हैं। स्वस्थ और प्रमाणित बीज का उपयोग करें। 17% नमक के घोल के द्वारा पुष्ट बीज का चयन करें। चयनित बीज को साफ सुपर कवकनाशी द्वारा 2.0 प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। रोग की आरंभिक लक्षण दिखते ही कार्बेंडाजिम 0.1% या प्रोपिकोनाजोल टिल्ट 0.1% 12 से 15 दिन के अंतर पर 3 छिड़काव करें। पर्णछद झुलसा रोग इस रोग को पट्टीदार स्क्लेरोशियल रोग के नाम से जाना जाता है। ये धान उत्पादक क्षेत्रों में प्रकोप करने वाला प्रमुख रोग है। धान की पौध और वयस्क पौधों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं।
खेत में पानी की सतह के ऊपर तने की छाल पर रोग के प्रकोप दिखाई देते हैं। रोग प्रकोप से तने की छाल पर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे 0.5 सेंटीमीटर चौड़े भूरे से बदरंग धब्बे बनते हैं। प्रारंभ में धब्बे का रंग हरा, मटमैला या तामिया रंग का होता है, लेकिन बाद में बीच भाग मटमैला और धब्बों के किनारे भूरे रंग के हो जाते हैं। धब्बे तने की छाल पर नीचे से ऊपर की ओर श्रृंखलाबद्ध होकर पट्टी के रूप में फैल जाते हैं। बाद में ये रोग पत्तियों पर भी दिखाई देता है। वृक्षतों के आसपास में मिलने से पत्तियां जल जाती हैं और समूचा पौधा झुलसा हुआ दिखाई देता है। ये रोग कंसा अवस्था से बाली अवस्था तक फसल को रोगग्रस्त करता है। रोग प्रकोप बाली निकलने की प्रारंभिक अवस्था में होने पर बालियों में बदरा दाने उत्पन्न होते हैं। पूर्व फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही हेक्साकोनाजोल कवकनाशी कोंटाफ 0.1% की दर से 12 से 15 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव करें। पर्ण छद विगलन शीत रॉड रोग धान की फसल को प्रकोपित करने वाला ये प्रमुख रोग है। पर्ण छद विगलन रोग धान में गभोड यानी पोटरी अवस्था में दिखाई देता है। रोग प्रकोप से बाली की गर्दन पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो अंडाकार से लेकर अनियमित आकार के होते हैं। रोग की उग्र अवस्था में गहरे भूरे रंग के धब्बे बाली के चारों तरफ फैल जाते हैं जिससे बाल पोटरी के बाहर नहीं निकल पाती है। यदि कुछ हिस्सा बाहर निकल भी आता है तो दाने पोचे या बदरा हो जाते हैं जिससे उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और उपज का बाजार मूल्य भी कम हो जाता है। धान के बीज की बुआई के पहले 17% नमक के घोल के द्वारा पुष्ट बीज का चयन करें। चयनित बीज को कार्बेंडाजिम 2.0 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित कर बुआई करें। रोगरोधी किस्म चंद्रहासिनी लगाएं। रोग के आरंभिक लक्षण दिखाई देते ही पोटरी अवस्था में प्रोपिकोनाजोल टिल्ट 0.1% या कार्बेंडाजिम 0.1% का 12 से 15 दिन के अंतर पर आवश्यकतानुसार 3 बार छिड़काव करें। कूट कली का लाई फूटना या फाल्स मट वर्तमान में ये मुख्य धान उत्पादक क्षेत्रों में लगने वाला प्रमुख रोग है जो अधिक उत्पादन देने वाली संकर किस्मों को अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। बाली में दानों पर इस रोग का प्रकोप दिखाई देता है। रोग प्रकोप से दाने हरे रंग के बीजाणु पिंड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पिंड मखमली तथा दाने से काफी बड़ा हो जाता है। रोग की शुरुआती अवस्था में पिंड कुछ चपटा, चिकना और पीले रंग का होता है। बाद में पिंड नारंगी रंग का होने के बाद पीला, हरा या हरे काले रंग में बदल जाता है। एक बाली में रोग प्रभावित दानों की संख्या 2 से 150 तक हो सकती है। रोगग्रस्त दानों के आसपास दाने नहीं भरते हैं। संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। रोग ग्राही किस्म का चयन न करें। 50% पुष्पीकरण या बाली निकलने की प्रारंभिक अवस्था में प्रोपिकोनाजोल टिल्ट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 2 बार छिड़काव करें। बदरा दाना या पोचा दाना रोग बाली में ये रोग दानों के परिपक्व होने की अवस्था में जब लगातार कई दिन तक वर्षा होती है तब लगता है। इस रोग के प्रकोप से दानों का रंग भूरा, धूसर या गहरा भूरा हो जाता है और बाद में दाने पोचे हो जाते हैं। बाली निकलने या फसल पकने की अवस्था में कार्बेंडाजिम नामक कवकनाशी 0.1% की दर से छिड़काव करें। झुलसा रोग के लक्षण जीवाणुजनित झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पत्ती ऊपर से नीचे की ओर झुलस जाती है और पत्ती के जो किनारे हैं वो लहरदार होकर सूखने लगते हैं। रोग एक पौधे से दूसरे पौधे, एक पत्ती से दूसरी पत्ती में फैलता है। इससे अंत में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, पौधे की बढ़वार में नुकसान होता है और पूरी पत्ती फसल सूखकर खराब हो जाती है। जीवाणु झुलसा या झुलसन रोग धान का जीवाणु जनित झुलसा रोग का प्रकोप सभी धान उत्पादक क्षेत्रों में जहां तापक्रम अधिक होता है दिखाई देता है। इस रोग के प्रकोप से धान की उपज में 6 से 60% तक की कमी हो सकती है। इस रोग के लक्षण प्रमुखतः रोपाई के 20 दिन बाद दिखाई देते हैं। इस रोग के प्रकोप से पत्ती के किनारे ऊपरी सिरे पर सफेद मटमैले रंग के धब्बे बनते हैं जो पत्ती के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर बढ़ते हैं।
प्रभावित पत्तियां पीली मटमैली होकर सूख जाती हैं। रोगग्रस्त क्षेत्रों में धान की रोगरोधी किस्में बम्बलेश्वरी, उन्नत सावा मासरी और अजिया का चयन करें। रोगग्रस्त खेतों से अतिरिक्त पानी को निकाल दें, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। रोगग्रस्त फसल में नत्रजन युक्त उर्वरक का उपयोग न करें और 20% अतिरिक्त पोटाश युक्त उर्वरक का उपयोग करें। इन सभी रोगों के लक्षणों की पहचान समय रहते प्रारंभिक अवस्था में कर लेने से फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। रोगरोधी किस्मों के चयन से फसलों को रोग मुक्त कर फसल लागत कम की जा सकती है। वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी से एक ओर किसान भाई अमल में लाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर ये जानकारी कृषि वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए भी लाभदायी सिद्ध होगी।